पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर बदनाम है, पाकिस्तानी एक इंसान के तौर पर बदनाम है। पाकिस्तान की हैसियत इस जहां में ढेले भर की नहीं, लेकिन इन बेगैरतों की बात सुनिए, इनकी फैंटेसी जानिए तो घिन हो जाएगी। पाकिस्तान का एक क्रिकेटर था, इंटरनेशनल मैच भी खेल लिया, लेकिन इनकी सोच सियालकोट की सड़ी गलियों से भी बदतर है। पहले सुनिए इस अब्दुल रजाक की लिजलिजी और विषाणु वाणी, ये घटिया इंसान क्या कह रहा है। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता, तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। अब सोचना है कि ये घटिया सवाल क्या था, इस बड़बोले बदमिजाज ने क्या जवाब दिया। जवाब जो दिया उसको सुनकर उसके बगल में बैठे कुछ नामचीन पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने रिएक्शन कैसे दिए, आप देखेंगे सोचेंगे तो इस पूरी महफिल से आपको नफरत हो जाएगी। देखिए इस मंच पर कौन कौन है, क्यों मस्खरों जैसे सब के सब हंस रहे हैं। ये रहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा बदमाश क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, इसकी एक एक हरकत किसी सड़क छाप लमचट जैसी है। अब्दुल रजाक की बातों पर गला फाड़ रहा अफरीदी किसी लुच्चे से कम नहीं, इसकी हरकतें खेल के मैदान से कश्मीर की वादियों तक कुख्यात हैं। इस महफिल में अफरीदी इकलौता लंपट नहीं था, यहां बैठा सानिया मिर्जा का शौहर हो या फिर उमर गुल, सबके दिमाग की बत्ती गुल थी। इस पूरे जलसे का आयोजन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जीत की रीयूनियन के नाम पर हुआ, लेकिन इन पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने क्या किया, पाकिस्तान क्रिकेट के बेड़ा गर्क होने का रोना रोया, गर्त में जा चुके मुल्क के नाम पर मरसिया पढ़ा और कुछ नहीं मिला तो अब्दुल रजाक जैसे बदजात ने भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला का अपमान कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान का जितना पतन हो चुका है उससे भी कहीं ज्यादा गर्त में जाना इसका तय है। अब्दुल रजाक जैसे बददिमाग को जिस मुल्क में मंच मिलेगा वो बदनामी के मीनार पर ही विराजमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नाउ नोएडा।